आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा जमीन खरीदकर सारे नियम पूरे होने के बाद भी आज तक उद्योग नहीं स्थापित होने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पाराघाट भनेशर बेलदुकरी के किसानों की जमीन वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा जमीन खरीदकर पर्यावरण वन मंत्रालय के अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के प्रावधान अनुसार लोक सुनवाई 5 मार्च 2010 समय प्रातः 11 बजे से प्रस्तावित उद्योग स्थल पाराघाट लीलागढ़ नदी कोटवी सोनार रोड ब्रिज के पास तहसील मस्तूरी में कराई गयी, जिसमें लगभग 139 किसानों की उपस्थिति रही, जिसमें वसुंधरा स्टील एंड पावर लिमिटेड ग्राम पाराघाट में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पावर प्लांट डालने का प्रस्ताव लोक सुनवाई के माध्यम से किया गया, जिसका सूचना प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक जागरण नई दिल्ली के अंक में 30 जनवरी 2010 एवं स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि बिलासपुर के अंक में 28 जनवरी 2010 को जनसाधारण की जानकारी के प्रायोजनार्थ प्रकाशित करवाया गया। लोक सुनवाई के मात्र 2 आपत्ति प्राप्त हुए, शेष सभी कृषकों ने उद्योग लगाने पर सहमति दी। लोक सुनवाई पश्चात आज दिनांक तक उपरोक्त कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। औने पौने कोड़ियों के दाम पर भोले भाले किसानों की जमीन खरीदी गई, उपरोक्त कंपनी के प्रबंधक सुशील कुमार जलान द्वारा कराई गई और स्टील एंड पावर लिमिटेड डालने का प्रस्ताव कराकर राज्य औद्योगिक नीति अंतर्गत मिलने वाले लाभ मुआवजा स्थापन पुनर्वास प्रत्येक परिवार के सदस्य को नौकरी लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब किसी को भी नौकरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। सुंदरा कंपनी के द्वारा जन सुनवाई करके किसानों की जमीन खरीदी गई थी, लेकिन उस कंपनी के द्वारा कोई भी प्लांट डालने का कार्य या कोई भी निर्माण कार्य करने का कार्य जो है उन्होंने आज दिनांक तक नहीं किया। विगत 12 वर्ष से पाराघाट बेलटुकरी और भनेसर के किसान प्रतीक्षारत थे कि वसुंधरा कंपनी कब प्लांट डालेगी, हमारे घर के बच्चों को कब स्वरोजगार मिलेगा, हमको स्थापन पुनर्वास नीति के अंतर्गत जो मिलने वाला लाभ है वो कब मिलेगा, इस इंतजार में लगभग 12 वर्ष गुजारे। और उसके अभी जो है तत्कालिक तौर पर हमको जो जानकारी मिली है कि मार्च महीने में गोपनीय तरीके से वसुंधरा कंपनी ने राशि कंपनी को हमारी जो जमीन खरीदी गई थी उसे गोपनीय तरीके से ऊंचे दाम पर बेच दिया गया। इससे सारे जो किसान प्रभावित किसान हैं वसुंधरा कंपनी को जो जमीन दिए थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी आंदोलित और उग्र आंदोलन के लिए तैयारी के साथ आए हुए हैं। अभी जो है प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से केवल एक सूचनात्मक जानकारी देने के तौर पर आज उपस्थित हुए हैं। इसके साथ जो है हमारे जिले के कृषक मित्र बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।